दूसरा जो बल मैंने आपको दिखाया ये है आकस्मिक अंतर्जात बल। आकस्मिक सडन या आकस्मिक जो होते हैं, तो अकस्मात हमें जब पृथ्वी के किसी क्षेत्र में कोई क्रिया होती दिखाई देती है, जैसे कि कहीं भूकंप आते हैं, भूकंप अचानक आते हैं, पता नहीं रहता। हालांकि वर्तमान में जो सिस्मोग्राफी यंत्र है ये भूकंप के आने की सूचना देते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही देते हैं और फिर बहुत जल्दी से किसी क्षेत्र से, किसी केंद्र से एक चतुर्मुखी यानी भूकंप जो आते हैं वो रेडियल होते हैं, केंद्र से निकल के वो चारों दिशाओं में उसकी वेव्स फैलने लगती है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया हुई? ये क्षैतिजिक प्रक्रिया हुई जिसमें किसी केंद्र से चारों दिशाओं में वेव्स फैलती है और पृथ्वी उस क्षेत्र में हिल जाती है। ये अकस्मात होता है और इससे पृथ्वी न केवल हिलती है, उस क्षेत्र में कई प्रकार की उथल पुथल की घटनाएं होती। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 2004 में जो सुनामी आई थी वो क्यों आई थी, वो भूकंप के कारण आई थी। भूकंप की घटनाएं वैसे तो पृथ्वी पर रोज़ कहीं ना कहीं होती रहती है, लेकिन हम उन घटनाओं को कभी कभी देखते हैं, कभी कभी सुनते हैं। उसका कारण क्या है? जब ये घटनाएं मानव जीवन को प्रभावित कर रही है तो ये घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और जहां पर मानव का आवास नहीं है, मानव पर उन घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उस क्षेत्र में ये घटनाएं होती रहती है और इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। दूसरी जो अंतर्जात प्रक्रिया है ये है ज्वालामुखीयता, वॉल्केनिज्म। ज्वालामुखीयता क्या है? ये ज्वालामुखी शब्द यानी ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर से बाहर तक एक नलिका के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है और उस नलिका से विभिन्न प्रकार के उद्गार होते रहते हैं। देखिए आप इस चित्र में, ये जो बीच की नलिका है, इस नलिका से, भूगर्भ से ये नलिका बाहर तक गई हुई है और इस नलिका के माध्यम से विभिन्न उद्गार, जिसमें गैस है, जलवाष्प है, लावा का प्रवाह होता है, कभी कभी केवल ऐश ज्वालामुखी राख का भी प्रवाह होता है और उसके बाद लावा का प्रवाह होता है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो एक पर्वतनुमा आकृति या पठारनुमा या मैदाननुमा आकृति बन जाती है। तो ये जो आकृति होती है ये ज्वालामुखी से निर्मित आकृति है। ज्वालामुखी क्या है? वह मुख, वह छिद्र जो भीतर से अंदर तक जुड़ा हुआ है, इसको ज्वालामुखी कहते हैं, जहाँ पर क्रेटर का निर्माण हो जाता है। जब उद्गार समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर एक बाउल का शेप, एक कटोरे के जैसा एक आकृति बन जाती है, जिसकी दीवारें भीतर की ओर इस प्रकार से ढाल युक्त होती है, नीचे का भाग चौरस होता है क्योंकि वहाँ लावा जो होता है वो जम जाता है और वो एक क्रेटर कहलाता है। कभी कभी इसका आकार बड़ा हो जाता है तो कालडेरा भी कहते हैं। तो ये वह मुख है और जो क्रिया होती है ज्वालामुखी क्रिया, या इसी को हम ज्वालामुखीयता कहते हैं। तो ये क्षणिक घटनाएं हैं जो किसी किसी क्षेत्र में अचानक होती है, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर निरंतर ज्वालामुखी के उद्गार होते रहते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ज्वालामुखी बहुत लंबे समय तक के बाद अचानक विस्फोटित हो जाते हैं, इसको हम सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जहाँ निरंतर ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो क्या है? जागृत ज्वालामुखी। और कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी होते हैं जो एक बार उद्गारित हुए हैं और उसके बाद वो एकदम शांत हो गए, उसको हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं।
ये सभी प्रकार आपने पढ़े हैं। बच्चों, ये ज्वालामुखी से कुछ नए शब्द बने हैं हमारे पृथ्वी के लिए। जैसे जहाँ पर ये जो अपना यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के पास में इसका जो उत्तरी भाग है भूमध्य सागर का, यहाँ पर अधिकांश ज्वालामुखी, एक छोटा सा द्वीप है यहाँ पे सिसली, इटली के नीचे में, तो इस जगह में हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है, निरंतर होते रहता है। और इसलिए इस क्षेत्र को प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये प्रकाश स्तंभ, तो आपको कभी पूछा गया प्रकाश स्तंभ क्या है, तो ये भूमध्य सागर में इटली के दक्षिण में सिसली द्वीप है, इसे हम प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जागृत ज्वालामुखी निरंतर उद्गारित होते रहते हैं। दूसरा एक जागृत ज्वालामुखी का वृहत क्षेत्र है ये, यहाँ पर आप देखिए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी निरंतर कहीं न कहीं विस्फोटित होते रहते हैं। ये पूरा एक वृत्त जैसा बन जाता है जहाँ पर ज्वालामुखी का निरंतर विस्फोट होता रहता है, और इसलिए इसे अग्निवृत्त के नाम से जाना जाता है। अग्निवृत्त और प्रकाश स्तंभ, ये दोनों जो शब्द है ये ज्वालामुखी के उद्गार के कारण निर्मित हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो दोनों प्रकार के आंतरिक बल है मैंने इसका उल्लेख किया है। आंतरिक बलों के बाद हम देखेंगे बहिर्जात बल। बहिर्जात बल क्या है? पृथ्वी की सतह के बाहर जो बल सक्रिय है, जो बल कार्य कर रहे हैं, इन्हें हम बहिर्जात बल कहते हैं। बहिर्जात बल जो होते हैं ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूसरी जो ऊर्जा इनकी प्राप्ति होती है या जो शक्ति इनको मिलती है, ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इनको मिलती है। वैसे अंतर्जात बल भी गुरुत्वाकर्षण से ही प्रभावित है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से जो भी क्रियाएं हो रही है, चाहे पर्वत बन रहा है, चाहे पठार बन रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये पृथ्वी के ऊपर हो रहा है। यानी जो पदार्थ बाहर निकलते हैं, उछलते हैं और वापस आके पृथ्वी में चिपक जाते हैं, तो ये पृथ्वी के की ओर आकर्षित हो रही है। ये काहे से हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से। ऐसे ही जो बहिर्जात बल है, ये बहिर्जात बल भी गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित है। चाहे कितना भी तोड़फोड़ की क्रिया होगी, लेकिन ये धरातल से चिपक कर रहते हैं। और इस प्रकार ये जो बहिर्जात बल है, इसमें ऊर्जा सूर्य से मिल रही है और ये विभिन्न क्रियाओं को ये संपादित करते हैं। बहिर्जात बल की प्रकृति कैसी है? विध्वंसात्मक है, तोड़ फोड़ करती है, और इसलिए हम इसे कहते हैं अनाच्छादन, डेन्यूडेशन। अनाच्छादन, जैसा कि इसका नाम है, अना आच्छादित जो चीज़ है उसको अनावरित कर रहा है, यानी उसके आवरण को हटाते चला जा रहा है यह बल, और धरातल के ऊपर में प्रायः समतलीकरण की प्रक्रिया, ग्रेडेशन जिसको हम कह सकते हैं, तो यह क्रिया ये निरंतर कर रहा है। जो ऊंचा भाग है उसको निरंतर तोड़ रहा है, जहाँ पर गड्ढे हैं, खाइयाँ हैं, वहाँ पर ला करके मलबे को जमा कर देता है। तो इस प्रकार से ये निरंतर समतलीकरण की प्रक्रिया करता है। ये जो अनाच्छादन की प्रक्रिया है, इसे हम विलगावकारी, अलगावकारी प्रक्रिया भी कहते हैं। ये प्रक्रियाएं कैसे संपन्न हो रही है? धक्का दे करके या खिंचाव के माध्यम से, स्ट्रेस होता है, और इस प्रकार से ये प्रक्रियाएं संपन्न होती है। ये जो बल
विभिन्न प्रकार के हैं। इन बलों को, जैसे मैंने कहा कि सूर्य से इनको ऊर्जा मिल रही है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर ये बल एक जैसे कार्य नहीं करते। इनके कार्य की जो शैली है, जो क्षमता है, यह भिन्न भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कई प्रकार के जलवायु प्रदेश, कई जलवायु प्रदेशों में ये बटा हुआ है। पृथ्वी जो है ये बटी हुई है विभिन्न जलवायु प्रदेशों में। तो ये विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश है। ये जलवायु प्रदेश किससे, किस पर आधारित है? सूर्य, सूर्य की किरणों पर, अर्थात तापमान, वर्षा, वर्षा की प्रवृत्ति, वर्षा की मात्रा, वैसे ही तापमान की मात्रा या तापमान की जो प्रवृत्ति है, ये तुषार, ये सभी चीज़ें, यानी जलवायु के जितने भी तत्व हैं, इन सब को मिला करके अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप कुछ जलवायु कटिबंधों के नाम भी जानते हैं? जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु, समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या शीत कटिबंधीय जलवायु। ये जो कटिबंध है, ये जलवायु प्रदेशों में बट रहे। कैसे बट रहे हैं? जैसे जो उष्णकटिबंध है, कहाँ है? मध्य में है, लगभग भूमध्य रेखा से लगभग 30 अंश तक उष्णकटिबंध को हमने निश्चित किया है। 30 से 60 अंश उत्तर और दक्षिण, इसको हम क्या कहते हैं? समशीतोष्ण, शीत और उष्ण जहाँ पर लगभग समानता हो इसकी, इसको समशीतोष्ण जलवायु कहते हैं। और शीत जो 60 अंश से उत्तर ध्रुव की ओर और 60 अंश से दक्षिण ध्रुव की ओर, ये जो कटिबंध है 90 अंश तक, अर्थात ये ध्रुवीय प्रदेश है, ठंडे प्रदेश है। ठंडे क्यों होते हैं? सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती है। उष्णकटिबंध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने बताया कि ताप की जो मात्रा है ये अलग अलग होती है, और उसी पर आधारित है वर्षा। वर्षा कितनी होनी चाहिए, वर्षा कब होनी चाहिए, ये कौन निर्धारित कर रहा है? ये सूर्य से संबंधित जो ताप की क्रियाएं हैं, ये निर्धारित करती किसी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा, वर्षा की प्रवृत्ति, इन दोनों को निर्धारित करती है। तो ये जो जलवायु के कटिबंध है, ये चूंकि अलग अलग हैं, और इसीलिए जो बाह्य शक्तियां हैं, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग शक्तियां कार्य कर रही हैं। जो सामान्य उष्णकटिबंध के क्षेत्र है, तो यहाँ पर नदियाँ सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन उष्णकटिबंध में ही आप देखते हैं कि जैसे पृथ्वी पर मैदान की यदि हम स्थिति को देखें, तो कहीं पर मैदानों में खेती हो रही है, कहीं पर मैदानों में दलदल देखने को मिलती है। कुछ मैदान ऐसे हैं जो शुष्क है, जैसे रेगिस्तान का जो क्षेत्र है, ये शुष्क है, पूरी रेती है उसमें। तो ये मैदानों की जो अलग अलग स्थितियां हैं, ये क्यों हैं? जलवायु संबंधी दशाओं के कारण। और इसलिए जहाँ पर जलवायु संबंधी दशाएं जिस प्रकार की है, उस प्रकार के उस क्षेत्र में जो बाह्य शक्तियां हैं, ये कार्य कर रही है, और ये शक्तियां कई कारकों के माध्यम से कार्य करती है। ये कारक कौन कौन से हैं? जैसे नदी, नदी एक कारक हुआ। दूसरा कारक जो शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा सक्रिय होता है, ये है वायु। जो शीत क्षेत्रों में जहाँ पर ठंड अधिक है, जैसे ध्रुवीय प्रदेश है या ऊंचे पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पर शीत अधिक होती है, तो उस क्षेत्र में कौन सी शक्ति कार्य करती है? ग्लेशियर, हिमनद। कहीं पर ऐसा होता है कि भूमि का कुछ हिस्सा जो चूनायुक्त भूमि है, तो वहाँ पर पानी नीचे चला जाता है, और जहाँ तक चूने का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में
वर्षा का जल या उस क्षेत्र में बहने वाला जल जब नीचे चला जाता है तो चूना और पानी के मिश्रण के कारण जमीन के भीतर भी वो आकृतियों में परिवर्तन करता है। इसे हम कहते हैं भूमिगत जल। ये भी जमीन के भीतर कार्य कर रहा है। और तटीय भागों में समुद्र की लहरें ये काफ़ी सक्रिय होती है और ये सब मिल करके धरातल को तोड़ने फोड़ने की क्रिया करती है। और ये जो मैंने आपको बताया नदी, वायु, हिमनद, भूमिगत जल और सागरीय लहरें, ये सब क्या है? ये कारक है, ये बल नहीं है, ये कारक है। और इनको बल कौन प्रदान कर रहा है? सूर्य और गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसके अलावा यदि ऊंचे पर्वत है तो पर्वतों में पाए जाने वाला ढाल, ये जो ढाल है यह भी प्रतिबल के कारण होता है। और इस प्रतिबल के कारण ढाल से बहुत सा पदार्थ फिसलन इसका होता है, ये ढाल का अनुसरण करते हुए सरकते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण ये उछलते नहीं हैं बल्कि उस जमीन पर ही बने रहते हैं। थोड़ा सा उछलेंगे तो वापस ज़मीन में आकर के बन जाते हैं। तो ये जो ढाल के कारण विसर्पण होता है या फिसलन की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया से कोणीय संवेग विस्थापित होता है। और ये सभी मिल करके जो है धरातल के ऊपर में अनाच्छादन करते हैं, धरातल को अनावृत करने का प्रयास करते हैं और उसमें समतलीकरण की प्रक्रिया करते हैं। क्योंकि इन कारकों के कारण हमें क्रियाएं होती दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर ये कारक बल के तहत कार्य कर रहे हैं और ये क्रियाएं संपन्न करते हैं। तो इन क्रियाओं को हम अपरदन की प्रक्रिया कहते हैं। अनाच्छादन के दो रूप हैं, एक अपरदन, हम इसको अपरदन कहते हैं, लेकिन अपरदन के साथ अपरदन, परिवहन और निक्षेपण की क्रिया आती है। ये क्रियाएं गतिशील हैं, इसलिए यह कारक गतिशील है। दूसरा जो कारक है, यह कारक स्थैतिक है। ये जो है अपने स्थान पर स्थैतिक है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो जो दूसरा कारक है, जो स्टैटिक है, स्थैतिक है, यह अपक्षय कहलाता है। अपक्षय और अपरदन ये दोनों संयुक्त रूप से अथवा अलग अलग रूप से ये सक्रिय होते हैं और धरातल पर अनावृत्तीकरण की प्रक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से अपरदन के तीन रूप, जिसमें अपरदन यानि तोड़फोड़ करना। अपरदन कई प्रकार से होता है, जैसे जहाँ पर जल है तो जल की एक सामान्य गति होती है। जल जब प्रवाहित होता है तो अपने प्रवाह के साथ वो उस क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी या कंकड़ पत्थर, यदि उसमें ढाल अधिक है तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को भी अपने साथ प्रवाहित करता है। यानी उस जगह में वो क्या करता है, पहले तो वो तेज़ी से, चूँकि ढाल अधिक है तो तेज़ी से प्रवाहित हो रहा है, तेज़ी से प्रवाहित होने से वो अपने नीचे अपनी तली को खुरचता है, काटता है, और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती तो अपने किनारों को भी काटता है और क्या करता है, अपनी घाटी को गहरा करता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है अपरदन की। इसके अलावा अपरदन में अपघर्षण, अपघर्षण मतलब अब जल सामान्य रूप से तो काट रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने साथ जो कंकड़ पत्थर है इन पत्थरों से भी अपनी तली को खुरच रहा है, अपने किनारों को टकरा टकरा करके उनको भी काटते चला जा रहा है। इसको हम कहते हैं अपघर्षण। दूसरी जो प्रक्रिया है ये है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में क्या होता है कि जल के साथ जितने भी कंकड़ पत्थर प्रवाहित हो रही है आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और टकरा करके ये भी टूटने फूटने लगते हैं।
तो यह क्रिया कहलाती है सन्निघर्षण। एक और क्रिया है जिसको हम घोलीकरण कहते हैं। जल एक रसायन है और कई तत्व इसमें घुलनशील होते हैं। ये घुलनशील तत्व जल में घुल जाते हैं, यानी चट्टानों से निकल करके ये जल में घुलते हैं और इस प्रकार से ये चट्टानों को ढीला करते हैं, इसको काटते हैं। वैसे मैंने ये कहा कि अपरदन से चट्टाने टूटती फूटती है कटती है, लेकिन चट्टानों की संरचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि कोई चट्टान कितने समय में टूटेगी, ये चट्टानों की संरचना पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो संरचना शब्द का तात्पर्य है, स्ट्रक्चर या संरचना हम इसको कहते हैं, ये चट्टानों के निर्माण के समय चट्टानें कैसे बनी हैं। चट्टानों में यदि वलन है, वलन बार बार यदि देखने को मिल रहे हैं, वलन का तात्पर्य है कि चट्टानें कौन सी है, परतदार चट्टानें हैं, और इन परतों के बीच में यदि जल या हवा घुस जाती है तो ये चट्टानों को तेज़ी से तोड़ती है। यदि चट्टानें आग्नेय हैं, आग्नेय चट्टानें कैसी होती है, पूरी तरीके से संगठित होती है, इसमें छिद्र कहीं दरार बहुत नहीं के बराबर देखने को मिलते हैं और इसलिए इन चट्टानों को तोड़ना कठिन होता है, लेकिन जो परतदार चट्टानें हैं वो आसानी से या कम समय में ये टूटने लगती है। इसी प्रकार से चट्टानें छिद्रयुक्त हैं क्या, यदि चट्टानों में छिद्र हो गए तो इस छिद्र से हवा है, पानी है, ये चट्टानों के भीतर घुस जाता है और यदि जल घुसता है तो जल तो रासायनिक क्रिया करता है और चट्टानें तेज़ी से टूटने लगती है। चट्टानें कोमल है या कठोर हैं, कोमल चट्टानें तेज़ी से टूटती है। फिर चट्टानें जिस क्षेत्र में हम चट्टानों को देख रहे हैं उस चट्टानों का स्वरूप कैसा है, यानी जो चट्टानें हैं वो खड़ी बिछी होंगी तो अपरदन तेज़ी से होगा, लेकिन यदि वो आड़ी बिछी होंगी तो अपरदन धीमा होगा। ये सभी चट्टानों की संरचना पर निर्भर करता है और इससे अपरदन की मात्रा निर्धारित होती है। तो प्रत्येक क्षेत्र में चट्टानों की संरचना ये अपरदन की मात्रा को निर्धारित करती है और इस प्रकार से ये जो अपरदन है उस क्षेत्र में वहाँ की चट्टानों की संरचना, वहाँ पर ढाल का स्वरूप कैसा है, इस पर निर्भर करता है। अपरदन की जो प्रक्रिया होती है, इसको मैंने कहा कि ये एक डायनामिक है, गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि जिन पदार्थों का अपरदन होता है, ये जो कारक है, उदाहरण के लिए नदी, नदी ने पर्वत से जितने पदार्थों को काटा है अपने जल शक्ति के माध्यम से, वो क्या कर रही है, इन पदार्थों को अपने साथ बहाकर ले जा रही है, अर्थात इन पदार्थों का परिवहन हो रहा है। और जब ढाल कम हो जाता है, पानी का वॉल्यूम उसका आयतन बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है, तो नदी इन पदार्थों को आगे ले जाने में असमर्थ होती है, तब वो क्या करती है, अपने किनारों पर अपनी तली में इन पदार्थों को जमा करने लगती है। और इसके जमाव से आप देखते हैं कि यहाँ पर निक्षेपण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अपरदन, परिवहन और निक्षेपण ये एक संयुक्त प्रक्रिया है जो नदी या अन्य जो कारक है ये संपन्न करते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया होती है ये अपक्षय की प्रक्रिया है। अपक्षय क्या है, एक स्थैतिक प्रक्रिया है, अपने स्थान पर ही चट्टानों की टूट फूट होती है, इसे हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय में चट्टानों की जो टूट फूट होती है ये दो प्रकार से होती है। सूर्य की किरणों से चट्टानों में विखंडन होता है और दूसरी जो रासायनिक प्रक्रिया होती है इसके माध्यम से चट्टानों में वियोजन, डिकम्पोजिशन होता है। और ये दोनों
जो प्रक्रियाएं हैं जब संयुक्त रूप से कार्य करती है तो इसको हम अपक्षय की प्रक्रिया कहते हैं। इसी से संबंधित जब बहुत से पदार्थ कहीं एक साथ जमा हो जाते हैं और एक साथ इन पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन होता है, वो अपने स्थान को छोड़कर के अन्यत्र प्रवाहित होने लगते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसे हम सामूहिक क्षरण मास वास्टिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत लैंडस्लाइडिंग भूस्खलन की प्रक्रिया या पंक प्रवाह जो होता है मड फ्लो, ये सब प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसी में एवलांश की प्रक्रिया भी होती है। तो ये सभी प्रक्रियाएं आप देख रहे हैं, ये सभी अनाच्छादन की प्रक्रिया है, अनावृत्तीकरण की प्रक्रिया है और बाह्य प्रक्रियाएं इसे हम कहते हैं।